तो दोस्तों तीसरा पार्ट भी ला चुका हूँ मैं। तो हमने सेकंड पार्ट में देख लिया था जो नोज तक के हम लोग शेडिंग ब्लेंडिंग दोनों कर लिए थे। अब जो बारी है बाकी रह के जो बचा हुआ है, और मैं यहाँ पे लिप्स भी ड्रॉ करूँगा और लिप्स को भी किस तरह से ड्रॉ करता हूँ और किस तरह से ब्लेंडिंग करता हूँ, तो ये चीज़ आपको देखना है और बहुत ही अच्छे से और बारीकी से देखना है आपको। और स्किप यदि करते हो आप लोग तो जो है आप बहुत कुछ मिस कर जाओगे, तो वही है आपको बहुत अच्छे से देखना है और स्किप कभी भी नहीं करना है, बहुत अच्छे से करना है। तो देख सकते हो अभी मैं सबसे पहले आपको क्या काम कर रहता है कि स्किन पे या कहीं पे भी अगर शेडिंग करना है तो सबसे पहले जो है बेस लेयर दे दीजिए, उसके बाद में जो डिटेलिंग वाला है जहाँ डार्क है वहाँ डार्क कीजिए सेकेंड लेयर थर्ड लेयर में। तो इस तरह से आप लोग कर सकते हो, तो देख सकते हो मैं उसी तरह से कर रहा हूँ। और इस तरह से जो करने से जो आपका जो ड्राइंग है बहुत अच्छा रियलिस्टिक सा आता है। और क्या काम करते हैं कई लोग कि मैं बार बार बताता हूँ कि एक लेयर में कभी भी कंप्लीट नहीं करना है, थर्ड लेयर फोर्थ लेयर इस तरह से करना है, उसके बाद में ही जो है आपका ड्राइंग अच्छा दिखने लगेगा, तो आपको वही करना है। तो देख सकते हो और मैं जो है पूरा का पूरा जो है जो मैकेनिकल पेंसिल है HB की लीड लगी हुई है, तो मैं इसी से कर रहा हूँ क्योंकि HB का जो मैकेनिकल का पेंसिल का जो लीड है काफ़ी अच्छा है और डार्क भी चल जा रहा है और लाइट जगह पर लाइट भी अच्छा हो जा रहा है, तो ये कुछ अच्छा लग रहा है। और मेन चीज़ ये है कि इसमें शार्प नहीं करना पड़ता, बहुत अच्छे तरीके से शार्प हुआ रहता है और बहुत अच्छी तरीके से काम भी करता है। तो देख सकते हो तो ब्लेंडिंग करने के लिए मैंने ब्रश का उपयोग किया है। तो देख सकते हो जहाँ जहाँ थोड़ा डार्क एरिया है वहाँ किस तरह से मैं थोड़ा प्रेशर बोले तो प्रेशर नहीं दे रहा हूँ, मतलब कि लेयर बाय लेयर चढ़ाते जा रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप लाइट टू डार्क की ओर, तो ऐसा कुछ करना है। तो देख सकते हो काफ़ी अच्छा है। और जहाँ हाईलाइट देना है तो वहाँ आप लोग बहुत अच्छे तरीके से हाईलाइट भी दे सकते हो जो टोम्बोजीरो इरेजर की हेल्प से या फिर नॉर्मल इरेजर है उससे कट करके, तो आप कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, आप उसे भी कट करके हाईलाइट बारीक बारीक जगह पर दे सकते हो। तो देख सकता हूँ लिप्स को भी मैं किस तरह से कर रहा हूँ, और आपको रेफरेंस में देखते जाना है और रेफरेंस में जिस तरह से दिख रहा है उसी हिसाब से आप लोग को करना है। तो मेरा तो अभी रेफरेंस में आपको दिख रहा हूँ कि लाइट लाइट से दिख रहा हूँ क्योंकि मोबाइल स्क्रीन पे वैसे ही दिख रहा है, मतलब जो मैं शूट कर रहा हूँ वो मोबाइल पे, क्योंकि वहाँ पे कम लाइट लगो तो जब बनाओ तब अच्छे से दिख नहीं पाता, तो इसलिए मैं थोड़ा लाइट ज़्यादा रखा हूँ। तो बाकी आपको यहाँ पे रेफरेंस में लाइट ज़्यादा दिख रहा हूँ और जो ड्राइंग बना रहा हूँ वहाँ डार्क दिख रहा हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं, ज़्यादा उतना ही डार्क बना रहा हूँ वो हालाँकि आपको दिख रहा होगा क्योंकि ब्राइटनेस फुल किया हूँ मैंने। तो बाकी आपको आप जब खुद बनाओगे तब समझ आएगा, तो वैसे ही हम लोग को देखते जाना है और शेडिंग ब्लेंडिंग करते जाना है। तो देख सकते हो जो किस तरह से अच्छे तरीके से करना है आप लोग को, और ब्लेंडिंग करने के बाद में और भी देखना है आपको और बहुत ध्यान से देखते हुए करना है। तो चलिए देखते रहिए और लास्ट तक के जरूर देखिए, और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो लाइक कमेंट शेयर अपने दोस्तों के में साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए। तो चलते हैं मिलते हैं किसी और दिन, मतलब कि लगभग कल या परसों आ जाएंगे वीडियो, तो तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। तो वीडियो देखते रहिए और कुछ सीखते रहिए दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।